मेंटल मैथ क्लास 7th। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है ये तो हम सीखेंगे ही, साथ ही आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, देखकर प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आप सभी होमवर्क कंप्लीट करने में लगे हुए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर मेंटल मैथ में से बहुत कुछ ही आएगा, इसी टाइप का मैथ हुआ करेगा। ठीक है, जब आप सर्विस की कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं तो ही उसमें मेंटल मैथ के ही क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वा फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप देख रही हैं कुछ वेट गिवन है, ठीक है ना, वेट गिवन है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए पहले सबसे हाईएस्ट वेट आपको देखना, 3.8 आई थिंक ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट में से लोएस्ट आपको माइनस कर देना है, लोएस्ट है 1.90। ठीक है, तो ये रेंज हो जाएगी, तो रेंज क्या आएगी, 3.8 माइनस 1.9। ठीक है, इस तरीके से आइए माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 9 माइनस होंगे, बोरो लेंगे 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर रह गया 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया। ठीक है, ये आपकी रेंज आ गई। फाइंड द मीडियन वेट, मीडियन वेट फाइंड आउट करना है। तो मीडियन वेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले 1.9 आएगा, ठीक है, 1.9 के बाद आएगा इधर 2.1 आएगा। ठीक है, 2.1 लिख लेते हैं, तो 2.1 ये 2 times है तो 2 times लिख लीजिए इस तरीके से, 1 times इधर रहिए रहा और 1 times ये रहा। ठीक है, हो गया। 2.1 के बाद है 2.4, ठीक है, 2.4 लिख लेते हैं, और 2.6 2 times है, एक इस साइड में, इस साइड में भी है, तो 2.6 और 2.6 इस तरीके से। ठीक है, 2.6 के बाद है 3 है, ठीक है, 3 को लिख लीजिए 3.0, और फिर है बच्चों 3.7। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने 3.7, और फिर है लास्ट में 3.8। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो 4 आप इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में आया है ना वही आपका मीडियन वेट है। ठीक है ना, ये आपका मीडियन वेट आ गया। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ये भी ईजी है। हाउ मैनी बेबीज वेट मोर देन मीडियन वेट, मीडियन वेट से 2.6 है, 2.6 से ज़्यादा कितने बेबी का वेट है, ठीक है, 2.6 से ज़्यादा, तो 2.6 से ज़्यादा 1 baby और 2 और 3, 3 babies का वेट है। ठीक है, तो 3 babies यहाँ पर लिख देने, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने बेबीज, बेबीज का नंबर पूछा था, 3 babies ऐसे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 4, आगे क्वेश्चन ये नेक्स्ट है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 even number यहाँ पर 2, ठीक है, 4 और 6 8 10, ये इवन नंबर है बच्चों। ठीक है, हमें 10 लेने हैं, तो 12 14 16 18 और 20 हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्या करना, 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, बीच में जो नंबर बचे हैं ना आपके, उन दोनों को क्या करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 12 और 10 कितना होता है, 22 होता है, 22 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये मीडियन आ गया बच्चों। अच्छा, आगे कहता है, ये भी क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर। होल नंबर तो बच्चों 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, और लास्ट नंबर यहाँ पर मान ली मैं करता 41 42 43, ठीक है, 44 45 46 और 47, ठीक है, 48 49, यहाँ 49 पर 50 नंबर हो जाएंगे बच्चों। ये क्यों 50 तक, 50 नहीं लेना है क्योंकि 0 से काउंट है, 0 से शुरू है ये नंबर। तो आपको क्या करना है,
आपको करना है 25 इधर छोड़ने, मीन्स 24 इधर छोड़ने, 24 इधर छोड़ देने नंबर। तो बीच में जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा बच्चों? अगर मान लीजिए जीरो ना हो, जीरो ना हो तो 24 छोड़ेंगे इधर से, तो मीन्स आपको जैसे मान लो 50 आता है, ये 50 आ गया तो 24 छोड़ेंगे तो बीच में क्या आता है 25 और 26 आता है। लेकिन यहाँ पर जीरो ऐड है तो फिर ये नहीं आएगा, फिर आएगा 24 और 25, ठीक है। बीच में ये दोनों नंबर आएंगे 24 और 25। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही, मेरे पास जगह की कमी है, तो आप जीरो से लेके 50 तक काउंटिंग लिख ले, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, 24 इधर से छोड़ देने, 24 इधर से छोड़ देने, बीच में ये नंबर आ जाएंगे और दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 और 4 9, ठीक है, 2 और 2 4, ये बाई 2, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8.5, ये आपका मेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है, टू कॉइन को टॉस किया गया है इस तरीके से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑटमोस्ट टू हेड। तो टू हेड, देखो बच्चों, अगर टू हम कॉइन को एक साथ करते हैं तो या तो हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है वन टाइम्स, ये दोनों, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, दोनों पर हेड भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर आ सकता है बच्चों दोनों में टेल भी आ सकता है, ये भी हो सकता, पॉसिबल है, और या फिर हो सकता पहले टेल आए फिर हेड आए, ये पॉसिबल है। तो टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4, 4 हो गए ना, तो आपको 4 नंबर लेना नीचे, ठीक है, इस तरीके से। और टू हेड्स, तो टू हेड्स कितने, यानी एटमोस्ट टू हेड्स, ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ बच्चों, इसमें टू हेड है या वन हेड है, ठीक है ना, थोड़ी सी रुको, अभी क्वेश्चन नंबर 41 है, जी हाँ टू हेड्स है, ठीक है, टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टू हेड्स आने की तो प्रोबेबिलिटी वन टाइम्स ही है, तो वन आ जाएगा बच्चों, 1/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए करते हैं, तो क्वेश्चन 42 क्या कहता है, बहुत इजी है ये भी, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 50 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50 तक नंबर लिखे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे गए हैं 50 तक, ठीक है, ये 50 तक नंबर लिखे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड विच इज मल्टीपल ऑफ 50, तो टोटल नंबर कितने हैं, 50 है बच्चों, 50 तो लिखना नीचे, और 5 के मल्टीपल होंगे, 5 होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 30, 5 7 जा 35, और 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, तो ये नंबर 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो 10 ऊपर लगाना है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 1/5 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आपका हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 43, ये रहा आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इन ए सिंगल थ्रो ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, डाइस जो है ना, डाइस में टोटल नंबर होते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये टोटल नंबर होते हैं। तो आप पूछा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अगर 4 आए तो 4 यानी टोटल नंबर 6 नीचे लगाना है, 4 आएगा तो ये तो 1 टाइम्स आएगा, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी आ गई, 4 तो 1 ही टाइम्स है ना। अच्छा आगे सेकेंड में 2 और 3 आ जाए तो टोटल नंबर नीचे 2 और 3, 2 ओ आ सकता है या 3 आए, तो ये तो 2 नंबर है तो 2 ऊपर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट है, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, एक नंबर ग्रेटर देन 2, टोटल नंबर नीचे लिखना है, 2 से ग्रेटर तो ये है 1 2 3 4, ऐसे नंबर कितने हैं, 4 है, तो 4 ऊपर लिखना है और आपको कर देना है डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको तो प्रैक्टिस करनी है। एक ज़रूरी नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और एक न्यू चैनल बनाया हुआ उन्होंने, कोई भी चैनल पर अपलोड कर देते हैं। देखो बच्चों ये इलीगल है, गैरकानूनी है, ठीक है, आपके साथ या कॉपी स्ट्राइक अगर आपका आ गया तो हो सकता कि फ्यूचर में आप कोई चैनल ना बना पाए, तो इस तरीके की काम ना करें, ठीक है।
आपको अगर बनाना है तो पहले मेंटल मैथ में से सीखिए, और सीख कर उसमें जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप अपने खुद की वीडियो बनाए, मेरी वीडियो या किसी भी और की वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करना ये गैर कानूनी है, तो ये इलीगल है, तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।